बाद में नंबर दो पर जो ग्रुप है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सायला की, जो अपने भाइयों को ये कह रही है कि जब भी इस देश पर विपदा आएगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और इसके बाद में नंबर तीन पर है सरस्वती बाल विद्या मंदिर सायला कटरूप, मुख्य अतिथि को सलामी देकर मंच से गुजरना है। और नंबर चार पर है ग्रुप, वो है विवेकानंद विद्या मंदिर सायला, और विवेकानंद का ये ग्रुप मंच से गुजरा है, तिरंगे को सलामी देकर। और इसके बाद पर जो ग्रुप आ रहा है वो है नंबर पांच पर टेबल पब्लिक स्कूल सायला के लीडर ने माननीय मुख्य अतिथि और तरीके को सलामी देकर जो आगे बढ़ रहे हैं ये ग्रुप है टैगोर पब्लिक स्कूल सायला का नंबर पांच पर है। हाँ, निर्णय साहिबान कृपया ध्यान दें। इसके बाद में जो ग्रुप आ रहा है नंबर छह पर है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियाणी मंदिर सायला भटियाणी। के बाद में जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है सात नंबर का टैगोर की सॉरी भटियाणी मंदिर के बाद में है आदर्श विद्या मंदिर सायला का, जो मंच के आगे से गुजरा है आदर्श विद्या मंदिर का ग्रुप। और आदर्श विद्या मंदिर के बाद पर आठ पर है सेंट्रल पब्लिक स्कूल सायरा पेट्रोल जो सलामी देकर ये हमें आज इस स्थिति में है कि हम आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में और हर दृष्टि से देश विश्व में एक उभरता हुआ सितारा नजर आ रहा है। साथियों, आने वाले जो 25 वर्ष है वो हमारे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष है। आने वाले इन 25 वर्षों में कैसे हम अपने राष्ट्र को इस विश्व का सितारा बना सकते हैं, उस बारे में हमें अपनी जी जान से मेहनत करनी है। इसमें जो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और युवा साथी हैं उनका जोश, और जो मेरी माताएं और बहनें हैं और मेरे दाई बाई तरफ जो बैठे हुए प्रबुद्धजन उनका अनुभव, जब जोश और अनुभव दोनों मिलकर के हम जी जान से लगेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले 25 साल बाद में भारत विश्व गुरु होगा और एक चमकता हुआ सितारा। तिरंगे के नीचे खड़े होकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज हम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं इस गौरवशाली तिरंगे के नीचे खड़े होकर उन सभी वीरों को सलाम करती हूँ जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारा भारत पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। एजुकेशन, हेल्थ, स्पेस, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में भारत आगे बढ़ रहा है और कोरोना महामारी में हमने ये साबित भी कर दिया है। आज देश की तरक्की में महिलाएं भी अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं, खास तौर पर ग्रामीण महिलाएं। आज देश की प्रमुख एक ग्रामीण आदिवासी महिला है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये ताकत है हमारे डेमोक्रेसी की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि आज लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। और अभी समाप्त हुए कॉमनवेल्थ गेम्स को ही देख लीजिए, चाहे वो मीराबाई सानू हो, विनेश हो, पीवी संधु हो, सभी ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक रेयर एग्जांपल है। आइए हम सब मिलकर आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये संकल्प लें कि हम हमारे देश को महान बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। गर्ल्स एजुकेशन हो, महिला सुरक्षा हो, सभी को मजबूत करेंगे। हम ये संकल्प लें कि हम गरीबी और बेरोजगारी को पूरी दुनिया से समाप्त करने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। 75वीं वर्षगांठ पे 75 नए संकल्प लेंगे। आओ हम सब मिलकर हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।